मोदी सरकार ने क्या अपनी मुस्लिम नीति बदल दी है? मोदी की नई मुस्लिम पॉलिसी की कुछ तस्वीरें आज सामने आई। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मोदी सरकार ने जो जेपीसी बनाई है उसमें 31 सांसद हैं, 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। इसमें मुस्लिम सांसदों की गिनती है 1-2 नहीं बल्कि पूरी 8। इनके नाम और भी चौंकाने वाले हैं, अजदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, मोहिबुल्ला नदवी, मोहम्मद जावेद जैसे लोग इस कमेटी में हैं। क्या मोदी 3.0 में मुसलमानों की और सरकार अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है? मोदी विरोधी से बैकफुट पर जाना कहेंगे? क्या वाकई में केंद्र सरकार पीछे हटी है? इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? इस रिपोर्ट पे सब क्लियर हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, मौलाना महिबुल्लाह, जावेद खान, गुलाम अली, सैयद नासिर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक और एम मोहम्मद अब्दुल्ला, ये मोदी सरकार की वक्फ एक्ट पर बनी नई कमेटी में हैं। ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं ये बताएंगे, लेकिन पहले जरा वक्फ बिल पर ओवैसी का डायलॉग सुन लेते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। सुन लिया ना आपने, वक्फ बिल पर ओवैसी की लाइन एकदम क्लियर है। वक्फ पर ये झुकने वाले नहीं है, साफ कह रहे हैं वक्फ बिल संशोधन मुस्लिम विरोधी है, मोदी सरकार देश को बांट रही है। मोदी ने जो वक्फ पर जेपीसी बनाई है उस टीम में भाईजान भी हैं। मोदी जानते हैं कि जेपीसी में जब भी ओवैसी मुसलमान मुसलमान करेंगे तो उनके ही भाईजान उनसे तेलंगाना और हैदराबाद का हिसाब भी पूछेंगे। अब वो सवाल क्या है? दरअसल तेलंगाना में वक्फ बोर्ड के पास 77,538 एकड़ की जमीन है, जिनमें 57,423 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी 2022-23 में वक्फ बोर्ड को महज 20,25,878 रुपए की सालाना इनकम हुई है। हैदराबाद की जिस सीट से ओवैसी सांसद हैं, वहां वक्फ बोर्ड के पास 1,785 एकड़ जमीन है, इसमें से 1,469 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका है, यानी 82% संपत्ति वक्फ के कब्जे से बाहर हो चुकी है। पूरे दुनिया में ना तो इतनी संपत्तियां हैं किसी बोर्ड के पास में और ना ही इतनी शक्तियां हैं किसी वक्फ बोर्ड के पास में, ना सऊदी अरब में ना ओमान में, ये खाली हिंदुस्तान में है। तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह से, जिस स्पीड से वक्फ की संपत्तियां देश में बढ़ी, तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो कहीं वक्फिस्तान ना हो जाए हिंदुस्तान, क्योंकि ये कांग्रेस को अगर बस चले तो कांग्रेस इसको वक्फिस्तान भी बना सकती है, ये बहुत मुमकिन बात थी। इमरान मसूद, इनको तो पहचानते ही होंगे, ये वही हैं जिन्होंने मोदी की बोटी बोटी काटने वाला बयान दिया था। उसके बाद से ही ये मोदी विरोध के इंडेक्स में टॉप पर गिने जाने लगे। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं। वक्त को लेकर इन्होंने कौन सा डायलॉग सुनाया वो भी सुन लेते हैं। संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं, और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8,00,000 एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो, मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ फर्जी है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मतलब इमरान मसूद वही कह रहे हैं जो वक्त पर राहुल गांधी और कांग्रेस की लाइन है। ये भी संसद के भीतर कल संविधान की कॉपी लहरा रहे थे, साफ साफ कह रहे हैं वक्त बिल लाकर मोदी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, मुस्लिमों के साथ मोदी सरकार अन्याय कर रही है। मोदी सरकार ने वक्त पर जो जेपीसी कमेटी बनाई है उसमें इमरान मसूद को भी जगह दी गई है। समाजवादी पार्टी भी वक्फ बिल के विरोध में है, उसको भी लग रहा है वक्फ बिल विरोध नहीं किया तो मुस्लिम वोट ऊपर नीचे हो जाएगा, लिहाजा संसद में समाजवादी पार्टी की तरफ से वक्फ बिल के विरोध का बीड़ा रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने उठाया। क्या सुनाया पहले वो सुन लेते हैं। सर, हिंदू एंटोमेंट में
जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। चार धाम में ये लिखा हुआ वाजे तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा, बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है, पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है, लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाना काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे। सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं, आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं सर, इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं सेफ नहीं करेगी। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर नदवी साहब कह रहे हैं मोदी सरकार वक्त बिल्लाकर बहुत बड़ी गलती कर रही है जिसका खामियाजा आज नहीं उसे सदियों तक भुगतना पड़ेगा। मोदी सरकार के इस बिल का वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। जहां से वो सांसद हैं रामपुर में भी वक्त की जमीन को लेकर बड़ा मसला है। रामपुर में तो वक्त की जमीन तो आजम खान ने अपने चहेतों को दे दी थी, लेकिन नदवी साहब उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी सरकार ने वक्त बिल संशोधन पर जो जेपीसी बनाई है उसमें इनको भी शामिल किया गया है। जब जेपीसी में वक्फ संशोधन बिल में चर्चा होगी तो रामपुर की वक्फ की जमीन पर भी नदवी को जवाब देना होगा। ये बताना होगा कि वक्फ की संपत्ति मुसलमानों के हित में काम करने के लिए है तो आजम खान किस मुसलमान के हित में काम कर रहे थे। इमरान मसूद मोहिबुल्ला नदवी यूपी के सांसद हैं और वक्फ बिल से मुसलमानों का नुकसान होगा इसको लेकर चीख चिल्ला रहे हैं। अच्छा तो ये होता वो ये भी बता देते कि यूपी में शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति है जिसमें विवादों की एक लंबी फेहरिस्त है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के पास लगभग 232,000 संपत्तियां हैं जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3,50,000 करोड़ रुपए के करीब है। यूपी में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के पास उनकी कितनी संपत्तियों पर अवैध कब्जा है इसका सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। राज्य सरकार वक्फ की संपत्तियों और उनके विवादों की सूची तैयार करवा रही है, इसे तैयार होने में अभी और वक्त लगेगा, लेकिन संपत्तियों में विवाद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में 65,000 से अधिक मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियों की संख्या 1,17,161 है। अखिलेश सरकार में जब आजम खान वक्फ मंत्री थे तब उन्होंने रामपुर की वक्फ संपत्तियों को नियम विरुद्ध तरीकों से अपने चहेतों को सौंप दिया था। एक नहीं कई एग्जाम्पल है यहाँ जहाँ ताकतवर मुसलमानों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर लिया है जिसमें अतीक का खानदान भी है। वक्फ की 50 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप है। जब जेपीसी की मीटिंग होगी तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले मुस्लिम सांसदों से ही मोदी कहलवाएंगे कि वक्फ की जमीन पर कब्जा हो चुका है। इस पर आपका क्या कहना है? जमीनें वक्फ के पास कहां से आई? अगर ये जमीन सही है तो इससे कितने मुसलमानों का उद्धार हुआ? मोदी यकीनन इसका डेटा भी दिखाएंगे। समझ जाइए सरकार के वक्फ बिल संशोधन का घोर विरोध करने वाले मुसलमानों को जेपीसी का हिस्सा क्यों बनाया गया है, इसके पीछे मोदी सरकार की मंशा क्या है। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मोदी जेपीसी वक्फ एक्ट संशोधन बिल भेजकर बैकफुट पर आ चुके हैं। क्या सच में वक्फ पर जेपीसी गठित कर विपक्ष के विरोध के आगे मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया, या वक्फ संशोधन बिल जेपीसी को भेजने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की कोई सोची समझी रणनीति है? इसका जवाब लोकसभा चुनाव के नतीजों में छिपा है। मोदी सरकार 240 सीट पर आई है तो बगैर मुस्लिम वोट के आई है। नरेंद्र मोदी वक्फ बिल संशोधन के मसले को हाइप देकर
विपक्ष का असली मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने लाना चाहते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब वक्फ बिल संशोधन पर विरोध करने वालों का हिडन एजेंडा बेनकाब होगा। मोदी वक्फ बिल संशोधन कराएंगे, लेकिन लड़ाई नहीं दोस्ती वाला फार्मूला अपनाएंगे, उलझाने वाला नहीं सुलझाने वाला फार्मूला बनाएंगे। मोदी मुसलमानों को लेकर नई नीति बना रहे हैं, इसीलिए ओवैसी इमरान मसूद मोहिबुल्ला नदवी को जेपीसी में ला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी, नीतीश कुमार जी से पटना में बहुत सारे लोग जाकर के मिले हैं और उन्होंने अपना इशू और कंसर्न अपना दिया है उसमें। तो उन्होंने कहा भी है कि आपका जो इशू है, आपका जो कंसर्न है, वो आप बताइए उस प्रोविजन में कोई ऐसी बात है तो। और मुझे लगता है कि इसको को जो एक राजनीतिक कलर भी देने की कोशिश की गई है, तो इस जेपीसी बनने से ये काफी मिसगिविंग खत्म हो जाएगा। इस मोदी सरकार की वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी मांग मानने के पीछे रणनीति क्या है? बीजेपी वक्फ संशोधन बिल लाने से पहले चर्चा कराकर ये बात समझ चुकी है कि जनता इस बिल को पसंद कर रही है। अगर मुस्लिम सियासी नेताओं को छोड़ दें तो मुस्लिम समुदाय में भी इस बिल में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है, और यही सोचकर मोदी सरकार ने इस बिल को लटकाया है। पार्टी चाहती है कि इस बिल पर और बहस हो, क्योंकि जितनी बहस होगी बीजेपी के पक्ष में और वोटर्स पोलराइज्ड होंगे। पार्टी चाहती है कि इस बिल की अच्छाइयां आम जनता तक पहुंचे। जेपीसी की जब जब बैठकें होंगी, इस बिल का मीडिया ट्रायल भी होगा, बिल की छोटी छोटी बातों पर बहस होगी। इस तरह जितनी चर्चा होगी उतना ही पार्टी के पास मौका होगा कि वो आम जनता में बीजेपी को सपोर्ट करने को कहे। दूसरी बात, इस बिल को लेकर खूब हिंदू मुसलमान भी होगा, विशेषकर कांग्रेस जो पहले इस बिल का विरोध नहीं करना चाहती थी, उसे भी हिंदुओं के बीच पार्टी खलनायक घोषित कर सकेगी। सीए का विरोध न करके कांग्रेस ने बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका ही नहीं दिया, पर इस बार कांग्रेस फंस गई है, उसे अपने सांसदों के दबाव में आना पड़ गया है। बीजेपी इसी का लाभ उठाना चाहती है। तो अभी जेपीसी को चला गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया है, वक्फ का उद्देश्य यही था कि गरीब से गरीब मुसलमानों को भी उसका लाभ मिले, और वो बिल का कुछ जो मैं प्रारूप समझ पाया हूँ, देख पाया, उसके हिसाब से बहुत शानदार बिल था। जो विरोध कर रहे हैं केवल तुष्टिकरण की घटिया घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष को वक्फ अमेंडमेंट बिल में शुद्ध रूप से मुस्लिम वोट का स्कोप दिख रहा है, और मोदी को भी वक्फ अमेंडमेंट बिल में मुस्लिम वोट बैंक का होप दिख रहा है, इसीलिए वो भी चाहती है कि ये मुद्दा गर्म रहे, ताकि बिल को लेकर मुस्लिम विरोध का नैरेटिव चलाने वाले खुद अपने ही बुने जाल में फंस जाए। बीजेपी ने बिसात बिछा दी है और वक्फ अमेंडमेंट बिल के पक्ष में मुसलमानों के बीच में अपनी मंशा का इजहार भी करना शुरू कर दिया है। संसद से आई तस्वीर बीजेपी की रणनीति का सैंपल है। जेपीसी का ऐलान करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले। बारिश हो रही थी, छाती की जरूरत पड़ी तो मंत्री किरण रिजिजू ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशी अजमेर दरगाह के चेयरमैन को छाता लगाकर खुद लेकर आए। चित्रों की भाषा समझने वाले इस तस्वीर की अहमियत समझ रहे हैं। मुस्लिमों को मोदी सरकार क्या संदेश दे रही है, ये सभी वक्फ बिल को लेकर ही उनसे मिलने आए थे। हिंदुस्तान के अंदर में जितना दरगाह है, आज मुझे जो मिले हैं वो लगभग 800 दरगाह जितने भी हिंदुस्तान में है, उनका बिहाफ से मुझे एक पत्र भी दिया है और डिस्कशन के दौरान मुद्दे भी सामने में रखा है। मैं उनको मेरे तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ दोनों कि उनका सोच विचार के लिए भी और समर्थन के लिए भी बिल को समर्थन किया है, इसके लिए भी। और आखिर तो ये सारा बिल मुसलमानों के लिए ही है, मुसलमानों का अधिकार के लिए ही वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, और इसका स्वागत करना हमारे लिए खुशी की बात है। ये सभी सूफी धर्म गुरु 800 दरगाहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर इनकी राय ओवैसी इमरान मसूद और नदवी की तरह नहीं है। विपक्ष बिल पर जो मुस्लिम विरोध का नैरेटिव पेश कर रहा है वो सच है या मुस्लिम धर्मगुरु जो कह रहे हैं वो? वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट के लिए लाया गया बिल, उसका हम स्वागत करते हैं, और हमारे भी कुछ कंसर्न थे जो मंत्री जी ने बहुत पेशेंटली हमको सुना है। हमें पूरी उम्मीद है कि दरगाहों की जो बहुत टाइम से डिमांड है कि दरगाह बोर्ड कायम किया जाए, तो हमने उसके लिए सुझाव दिया है, और हमें उम्मीद है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हम सुझाव रखेंगे और इस बिल के अंदर एक वक्फ एक्ट के अंदर अच्छा एक वक्फ एक्ट आएगा जिससे पारदर्शिता आएगी, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर वो दूर होगा, औरतों को नुमाइंदगी मिलेगी जो आज तक नहीं थी, और खासतौर से वक्फ औलाद में बेटियों को भी हक मिलेगा, इसका हम स्वागत करते हैं। और जो फॉर्मेशन ऑफ कमेटी के लिए जो
सेक्शन दिए गए हैं हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसा फॉर्मेशन होना जरूरी था, भ्रष्टाचार पर रोक लगना जरूरी थी, और वक्फ का पैसा जो सिर्फ और सिर्फ गरीब गुरबाओं के काम में आना चाहिए, मुस्लिम गरीब मुसलमान जो है उनके काम में आना चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के काम, उनकी एजुकेशन के काम, उनकी शादियों के काम में आना चाहिए। इन्होंने वो प्रोविजन रखा है, भारत सरकार ने तमाम देश के मुसलमानों की भावनाओं को समझा है। जेपीसी में जब वक्फ संशोधन बिल की चर्चा होगी और सुधार की बात होगी तो इन धर्म गुरुओं की भी बात होगी, और ओवैसी इमरान मसूद, मोहिबुल्ला नदवी जैसे नेता वक्फ को लेकर मुस्लिम हित के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, उनको इन धर्मगुरुओं के सवालों का जवाब भी देना होगा। मोदी सरकार यही चाह रही है, वक्फ बिल का विरोध करने वालों की असलियत मुसलमानों को पता चले।